तो लॉस सैंटोस में आ गया है किंग कॉन्ग, क्योंकि किंग कॉन्ग की गर्लफ्रेंड को किसी ने कर लिया है किडनैप, और वो और कोई नहीं मद्रासो का बेटा है। मद्रासो कौन है? तो भाई वो है लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा गैंगस्टर। तो फ्रैंकलिन और शिनचैन के पास यही ऑप्शन है कि वो किंग कॉन्ग की जो ये इसने पूरा कहर मचा रखा है उसको रोकने के लिए उसको वो मद्रासो की गर्लफ्रेंड उससे छुड़वानी पड़ेगी, और मद्रासो को बोलना पड़ेगा कि भाई अपने बेटे का कुछ कर, क्योंकि उसने पूरे शहर को तबाह करवा दिया था। तो अब देखते हैं क्या होगा, बट पहले तो भाई यहाँ पे किंग कॉन्ग ने जो तबाही मचाई है ना, मैं क्या बताऊँ, पूरा शहर देख लो ख़त्म ही कर दिया किंग कॉन्ग ने। यहाँ पे एक एक करके गाड़ियाँ ऐसे उड़ उड़ के जा रही हैं, पूरा हाईवे ब्लॉक है भाई। जल्दी से इसको भाई फ्रैंकलिन और शिनचैन को बचाना पड़ेगा लॉस सैंटोस को, वरना तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तुम ये हेलीकॉप्टर का हाल अभी देखना, अभी जो हेलीकॉप्टर का हाल होने वाला है ना, उससे ही तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना बड़ा थ्रेट है भाई पूरे लॉस सैंटोस के लिए। एक थप्पड़ में हेलीकॉप्टर को इसने इतनी दूर भेज दिया, भाई कहाँ से आया ये किंग कॉन्ग किसी को कुछ नहीं पता, आराम से शांति से रह रहा था। मद्रासों को बेटे को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे पूरा शहर उसने इतना ख़राब कर दिया भाई, उसकी एक ही सजा है, उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा हमें। वैसे भी वो बहुत दिक्कत दे रहा था, और भाई फ्रैंकलिन तो गैंगस्टर बन ही चुका है, बहुत बड़ा गैंगस्टर ऑलरेडी है वो, अब यहाँ पे पूरा ख़त्म करना पड़ेगा हमें यहाँ पे उसको। अब देखते हैं भाई एक एक करके, भाई यहाँ पे किंग कॉन्ग ने तो तबाही मचा दी है बिल्कुल ही, क्या ही पूरा शहर तबाह होने वाला है अब तो मुझे लग रहा है भाई। यहाँ पे जल्दी से इसको इसकी चीज़ नहीं मिली ना, तो वो बिल्कुल भाई शहर को ख़त्म ही कर देगा। बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे जाकर चढ़ गया भाई, यहाँ से चिल्लाएगा भाई किंग कॉन्ग, भाई कितना डरावना लग रहा है। जिसको भाई किंग कॉन्ग बढ़िया लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो इस वीडियो में भाई आगे बहुत कुछ होने वाला है, जो अब मद्रासों के बेटे का हाल होने वाला है मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि उसने भाई इतना गलत पंगा ले लिया है। क्योंकि तो हेलीकॉप्टर को तो एक थप्पड़ में गिरा दे रहा है ये, तो ये पूरे शहर का क्या हाल करेगा और कितने लोग मरेंगे भाई सिर्फ। अब मैं भाई यहाँ पे भाई मुझे न्यूज़ मिल चुकी है, मुझे शिनचैन को ढूंढना है, बट उससे पहले भाई मैं थोड़े कपड़े अच्छे अच्छे पहन लूँ भाई। शहर तो भाई अपना आप बचा लेंगे, बट थोड़े कपड़े अच्छे होने चाहिए ताकि भाई न्यूज़ व्यूज़ में आए तो कपड़े अच्छे लगे ना। ये देखो तो भाई बिल्कुल गैंगस्टर वाले कपड़े पहन लिए हमने, अब प्रॉपर लग रहे हैं भाई, चश्मा वश्मा लगा के, स्टड्स वगैरह लगा के। अब मैं शिनचैन को आवाज़ दे दूँ, भाई शिनचैन जल्दी यार, शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी बाइक में चल, बाइक में समझाता हूँ तेरे को सब कुछ, जल्दी फटाफट मेरे पीछे पीछे आ भाई। शिनचैन भाई बिल्कुल शौक में, उसको कुछ नहीं पता भाई, अभी अभी उठा है बेचारा सुबह सुबह, और मैं उसको बिल्कुल तैयार होकर मिला हूँ, ढंग से चला भी नहीं जा रहा बेचारे से। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी आ जा भाई, शहर को बचाना है हमें, वरना शहर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से भाई हम मद्रासों के बेटे के पास चलते हैं, वो पता नहीं कहाँ पार्टी कर रहा होगा और उसने उसकी गर्लफ्रेंड को कहाँ रखा होगा, मुझे जल्दी से जाकर छुड़वाना है वहाँ पे। अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उल्टा फुल्टा कर दिया ना, तो किंग कॉन्ग भाई पूरा शहर तबाह कर देगा। मैं जल्दी से जाता हूँ भाई, उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा भाई, जल्दी से जाते हैं हम वहाँ पे भाई। मद्रासो कुछ उल्टा फुल्टा मत कर दियो, मैं पहले उसके बेटे को ढूंढता हूँ कहाँ पे पार्टी कर रहा है वो। बट फटाफट भाई मद्रासो की लोकेशन यार उसको ही पता होगी जो उसके साथ काम करता है, वो है माइकल। तो मैं माइकल के घर जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ कि क्या सीन है। फटाफट हम माइकल के घर आ गए हैं, माइकल के घर आके देखता हूँ भाई माइकल है कहाँ। तो माइकल के घर पे तो हमें न्यूज़ मिल गई है कि माइकल तो आ नहीं सकता, उसने भाई फ्रैंकलिन को कहा है कि तू ही जा, माइकल अलग अपने किसी चीज़ में फंसा हुआ है, तो भाई मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। इसने मुझे लोकेशन तो दे दिया है, शिनचैन को मैंने डिक्की में बिठा दिया है, आराम से जाते हैं, अब देखते हैं कहाँ पार्टी कर रहा है ये। माइकल ने हमें लोकेशन दे दी है पार्टी की, अब मैं उसी लोकेशन पर जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। फटाफट बस ये लोग ढंग से ड्राइविंग करें, वैसे ही सब शहर छोड़ने पे मजबूर हो रखे हैं, इनकी भी हालत मैं समझ सकता हूँ भाई, सबकी हालत इतनी ख़राब होगी। बट भाई उसको मद्रासों के बेटे को, एल है उसका नाम, एल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पार्टी कर रहा है भाई। एल को तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना गुस्सा आता है ना मुझे एल पे, भाई ऐसे पार्टी कर रहा है और शहर पूरा यहाँ पे ख़त्म हो रखा है। मैं जल्दी से सड़क पार करके देखता हूँ कहाँ पे कर रहा है वो पार्टी। तो ये रही उसकी लोकेशन, यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये तो पार्टी कर रहा है यहाँ पे, पूरा शहर को इसने ऐसे तबाह कर रखा है। इसके चक्कर में मेरे को इतना भाई यहाँ पे आना पड़ा, मैं जल्दी से जाता हूँ भाई, अब जल्दी से एल से बात करते हैं कि इसी ने वो काम किया है कि नहीं। भाई शिनचैन अपने आप सड़क पार तो कर लेगा ना, मैं एक बार पीछे मुड़ के देख लेता हूँ कि सड़क पार तो कर लेगा। हाँ भाई सड़क पार तो ये आराम से कर लेगा, भाई जल्दी से भाई एल से बात करता हूँ, गन लेके जा रहा हूँ ताकि कोई इधर उधर का हो ना बंदा तो मेरे पे गन ना लगाए, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन भाई अलग ही तौर है भाई फ्रैंकलिन का भी। तो जल्दी से इससे बात करता हूँ कि भाई तूने और इसने बता दिया भाई, इसी ने किया है। मैंने कहा भाई चल जल्दी से अभी मद्रासों के पास चल, वही बताएगा तेरे को कि तूने कितना बड़ा और किससे पंगा लिया है, उसका अंजाम भी क्या होने वाला है, अब तुझे वो मद्रासों ही डिसाइड करेंगे। जल्दी से जाते हैं, अब ये वाली हमारे ले लेते हैं क्योंकि तीन जनों को जाना है, तो बाइक में तो क्या बैठेंगे, जल्दी से आंटी आप बाहर आइए, हमारे पे बैठते हैं अब, हमारे पे जल्दी बैठ भाई। एल भी बैठ गया, शिनचैन को बैठना था वहाँ, भाई शिनचैन तू आगे आना मेरे साथ, तो भाई शिनचैन भी आगे आ गया मेरे साथ, आराम से बैठेगा अब।
भाई सबको ऐसे पैनिक हो रहा है ना, ठोक ठोक के जा रहे हैं गाड़ी में, जल्दी से इसको लेके जाता हूँ। भाई मुझे मुड़ने दो यार, मैं पूरा शहर बचा लूंगा अभी, टेंशन मत लो, तुम्हें किंग कॉन्ग से कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेन वाइल भाई किंग कॉन्ग ने तो वहाँ इतनी तबाही मचा दिया, पूरा रेडियो स्टेशन में सिर्फ उसी की न्यूज़ आ रही है। मैंने भाई रेडियो स्टेशन ही बंद कर दिया कि इससे पहले हमको पता चले कि भाई क्या है, एल को भी पता चले, एल भागने की कोशिश ना करे। तो भाई जल्दी से अब लेके जाता हूँ मद्रासों के पास। यहाँ पे भाई ये रेड लाइट है भाई, अब मुझे लोकेशन का है, मद्रासों का घर था सामने से जाके है ना कहीं, हाँ यहाँ पे सामने से ही जाके है। जल्दी से मद्रासों के घर पे मिलते हैं अब फटाफट, यहाँ पे मुझे हमर दौड़ानी पड़ेगी भाई। मैं जितनी तेज़ चलाऊँ उतना सही है, मेरे को यार अपनी कोई तेज़ गाड़ी लानी चाहिए थी, क्योंकि भाई इसमें तो मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ यहाँ पे। अब जल्दी से भाई ये हाईवे के आगे से जाना है कहीं पे, बस कोई ट्रैफिक ना लगे, क्योंकि भाई शहर एकदम भाई सब कुछ वेकेट कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं शहर को, और यहाँ पे इतना जाम ना लगे। और भाई जल्दी से गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी मेरे को, फटाफट मैं गाड़ी दौड़ाता हूँ, पीछे देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा। भाई यहाँ पे देखो क्या जाम लगा रखा है ये फालतू का, अभी तुम्हारे ऊपर से निकल के जाना पड़ेगा मुझे कैसे भी। भाई ये स्पोर्ट्स कार तो खत्म ही हो गई, और भाई तू तो काम का मर गया भाई। चलो जल्दी से निकलता हूँ भाई, ये रोड में इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं यार, जल्दी से जाते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ हाईवे तक, तो पहुँच गया भाई, ये पहाड़ों वाला इलाका है मद्रासो। भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसका घर तो भाई अच्छा मैंशन होगा बड़ा सा, वहाँ देखते हैं, वहाँ पे मुझे जाके इसको एल को दे के आऊँगा, देखते हैं भाई उसी के ऊपर छोड़ दूंगा एल की फेट, मैं नहीं बोलूँगा। बस मुझे भाई वो किंग कॉन्ग की गर्लफ्रेंड देखनी है, ताकि मैं उसको बचा लूँ और सीधा किंग कॉन्ग के पास दे दूँ उसको, कि भाई तू ही रख, किंग कॉन्ग की गर्लफ्रेंड बोलो या किंग कॉन्ग का कंपेनियन बोलो, भाई एक ही बात है। मैं जल्दी से जाता हूँ यहाँ पे फटाफट, उसने किडनैप एक तो एल ने जो किया है ना, उसका अंजाम तो अभी तुम्हें पता चलेगा क्या होता है भाई, इसका बिल्कुल ख़त्म ही करता हूँ मैं। फटाफट जाते हैं यहाँ पे, भाई देखो सिक्योरिटी कितनी है भाई, जल्दी से भाई एल उतर, भाई जल्दी उतर जाओ, तूने अभी काम किया, अभी तेरे को मद्रासों से पता चलेगा तूने क्या काम किया है, फटाफट जल्दी आ शिनचैन, तू भी जल्दी आ भाई, सिक्योरिटी ने हमारा सिक्योरिटी चेक तो क्या ही करेंगे ये, भाई फ्रैंकलिन हूँ मैं, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। जल्दी से अंदर घुसते हैं, सीधा इनको बताया हम किससे मिलने आया, एल भी पीछे पीछे आ रहा है, शिनचैन देखो कितनी धीरे धीरे चल रहा है, इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। मद्रासो आराम से यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि भाई क्या कांड हुआ है मुझे बता दो। मैंने भाई मद्रासो को सब कुछ बता दिया कि क्या तेरे बेटे ने क्या काम किया है, और उसके साथ जो अंजाम होना है ना वो तुझे डिसाइड करना है क्या है। मद्रासो ने एक ही चीज़ बोली कि पीछे बैकयार्ड की साइड पे आओ, मैंने कहा घर के अंदर से चलते हैं, कह रहा घर के अंदर से नहीं पीछे बैकयार्ड पे आ, वहाँ पर ही होगा इसका जो अंजाम होगा। तो भाई अब हम सब मिलके पीछे जाते हैं, देखते हैं भाई क्या इंतज़ाम किया हुआ है मद्रासों ने। तो मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ भाई क्या इंतज़ाम किया हुआ है मद्रासों ने एल के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ पहुँच तो गया, मैं यहाँ देखता हूँ क्या सीन है भाई, ये यहाँ पे इतने लोग क्यों हैं भाई, और सबके पास एक गन है भाई, मुझे सिक्योरिटी के लिए गन अपने पास रखनी पड़ेगी, कभी भी शूट आउट हो सकता है और कभी भी कुछ हो सकता है। बट इन्होंने ये क्या किया, एल को मार दिया, ओ भाई मद्रासों ने एल को मार दिया भाई, सबने घेर के। भाई साहब इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली है भाई, किसी ने भी किसी लेडी को बिना उसकी मर्जी से छुआ उसका ऐसी हाल करते हैं भाई, इस शहर में तो क्या ही रूल है भाई। भाई मद्रासों ने अपने बेटे के साथ ऐसा कर दिया, मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता। मैं भाई देख लूँ यहाँ पे किंग कॉन्ग की गर्लफ्रेंड गई कहाँ, अरे वो भाग के रुई है, उसको भाई अलग ही डर लग गया हमसे, मुझे उसको रोकना पड़ेगा फटाफट। अबे ज़्यादा दूर मत भाग, मैं गोली चलाऊंगा तो यार मैं खुद ही ना मर जाऊँ, अगर उसको पता चल जाएगा कि मैंने गोली मारी है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे, उसे या तो टक्कर मारनी पड़ेगी या तो उसको वहीं पर बेहोश करना पड़ेगा। मैं फटाफट इसको पकड़ता हूँ, फिर भाई मैं कैसे भी किंग कॉन्ग को यहाँ बता दूंगा, लोकेशन उसको बता दूंगा कि भाई कैसे भी लोकेशन तुम मीडिया पे चला दो, ताकि किंग कॉन्ग को पता चल जाए कहाँ पे आके कहाँ ढूंढना है। फटाफट जाता हूँ, इसको टक्कर मारनी पड़ेगी ताकि बेहोश हो जाए। अरे रुक जा भाई, रुक जा, रुकी नहीं रही है। तो मैं फटाफट जाता हूँ, इसको टक्कर मारता हूँ एक, अरे भाई ये फिर बच गई, मुझे इसको टक्कर मारनी पड़ेगी। अरे नहीं रुक गई भाई, इसको टक्कर मार के यहाँ पे बेहोश तो कर दिया है मैंने। अब फटाफट भाई कैमरा निकालते हैं, शिनचैन और मद्रासो भी देखो कैसे भागते भागते आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने इनको रोक तो दिया है, मैं इनको बोलता हूँ भाई शिनचैन और मद्रासो को कि तुम जाओ पीछे जाके कहीं छुपो, मैं मीडिया में खबर पहुँचा देता हूँ, किंग कॉन्ग आएगा अपने आप आके ले जाएगा, बट उससे पहले हमें यहाँ से भाई बहुत दूर निकलना पड़ेगा, अगर उसे कुछ भी पता चला कि हमने कुछ किया है तो वो हमें बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। मैं फटाफट जाता हूँ, इनको बोलता हूँ जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे छुपना पड़ेगा, वो किसी भी वक्त आता होगा। जल्दी से जाते हैं ऊपर की साइड, वहाँ पर पीछे छुपते हैं, क्योंकि वहीं से हमें बचने का इंतजाम हो पाएगा, और कोई एरिया नहीं है भाई बचने का। यहाँ मैं छुप गया, शिनचैन को मैंने बोल दिया तू मेरे पीछे आ, मद्रासो भाई जल्दी भाग, क्या कहाँ छुपेंगे। और फाइनली भाई किंग कॉन्ग को मिल चुका, उसने उठा दिया, अब वो यहाँ से भागने के लिए तैयार है, अब वो अपने आराम से शांति से रहेगा। भाई हमने क्या ही मिशन किया है ये, मैं क्या ही बताऊँ, पूरा शहर तबाह हो जाता। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो ज़रूर करना इस वीडियो को। बाय बाय।